एक बार का उल्लेख है कि एक गांव में एक मुर्गी और एक मुर्गा रहते थे। मुर्गी बहुत मेहनती और होशियार थी, जबकि मुर्गा बहुत आवारा और आलसी था। एक दिन मुर्गे को अपने घर के पास खुदाई करते समय एक सोने का सिक्का मिला। उसने सिक्के को अपने घोंसले में छिपा दिया और मुर्गी को इसके बारे में नहीं बताया। अगले दिन मुर्गी ने मुर्गे को अपने साथ खेत में चलने के लिए कहा। मुर्गी मान गई और दोनों खेत में चले गए। खेत में मुर्गी ने मुर्गे से उसकी मदद करने और गेहूं के दाने इकट्ठा करने के लिए कहा। मुर्गी ने मना कर दिया और कहा कि वो काम नहीं करना चाहता। मुर्गी ने मुर्गे को समझाया कि अगर वो काम नहीं करेगा तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन मुर्गे ने मुर्गी की बात नहीं मानी और चला गया। मुर्गे के आलसी से परेशान होकर मुर्गी अकेले ही गेहूं के दाने इकट्ठा करने लगी। उसने कड़ी मेहनत की और बहुत सारा अनाज इकट्ठा किया। जब मुर्गी वापस आई तो उसने देखा कि मुर्गी ने बहुत सारे दाने इकट्ठे कर लिए हैं। उसे अपने आलसी पर अफसोस हुआ और उसने मुर्गे से माफी मांगी। मुर्गी ने मुर्गे को माफ कर दिया और उसे अनाज इकट्ठा करने में मदद करने को कहा। इस बार मुर्गे ने मुर्गे की बात मानी और उसकी मदद की। दोनों ने मिलकर बहुत सारा अनाज इकट्ठा किया और घर लौट आए। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें मेहनती और होशियार बनना चाहिए। हमें काम से नहीं डरना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए।